अब क्वेश्चन नंबर 6 लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव फ्रॉम 125 रुपीज़ 120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, इसमें हमें पता करना है कि उसकी एनुअल इनकम कितनी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या पता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड दिया हुआ है 125 एट 120, इसमें 5% डिविडेंड हमको मिल रहा है, शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 125 into 120 रेट है हमारा 120, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 125 शेयर्स के साथ। तो हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि हमने कितना रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इसको कैलकुलेट करने पे 15,000 रुपीज़ हमने इन शेयर्स को खरीदने में लगाई है। तो हमें अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द एनुअल इनकम, इसको करने में उसको कितनी एनुअल इनकम हुई है। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला हमें पता है, एनुअल इनकम इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू डिविडेंड भी हमको पता है, यहाँ पे 5% का डिविडेंड मिल रहा है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड हमने निकाल लिया है 15,000, डिविडेंड का इंटरेस्ट है, डिविडेंड का रेट है 5%, तो 5/100 को हमने कैंसिल किया। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 7/750। तो उसको टोटल इनकम हुई है इन शेयर्स को परचेज करने में 750 की। ये बहुत इजी था, सिंपल फार्मूला ही लगा, एनुअल इनकम इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू डिविडेंड। अमाउंट इन्वेस्टमेंट हमने निकाले नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द वन शेयर।